चलिए बात करते हैं फिनोटेक्स केमिकल के बारे में, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे रिसोर्स डिस्कस करेंगे, कंपनी की जो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कि अभी कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसका टैक्स रिलीज हो चुका है, वो पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग स्ट्रांगली निवेश करना चाहते हैं फिनोटेक्स केमिकल के अंदर, या फिर जो सोच रहे हैं कि भाई हम दूसरे शेयर में चले जाएं, इसको सेल कर दें, तो फिर उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे फिनोटेक्स केमिकल शेयर के बारे में। मैं कोई बायल शेयर रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ कि भाई कंपनी कैसी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये कंपनी यानी कि फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल बेस कंपनी है। कंपनी टेक्सटाइल के लिए केमिकल्स बनाती है, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आपको पता है कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के लिए कंपनी केमिकल्स बनाती है। वहीं कंपनी ऑक्सिलरी और स्पेशलिटी केमिकल्स का निर्माण करती है, और इन केमिकल्स को कंपनी इंडिया में और इंटरनेशनली दोनों जगह सप्लाई करती है। कंपनी के जो स्पेशल केमिकल्स हैं, जो कपड़ा बनाने के अंदर यानी कि कपड़े पे डिज़ाइन करने के अंदर यूज़ किए जाते हैं, वो ज़्यादातर डाइंग प्रोसेस में यूज़ होने वाले, प्रिंटिंग प्रोसेस में यूज़ होने वाले, या फिर फिनिशिंग प्रोसेस में यूज़ होने वाले केमिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा आजकल के कपड़ों पे काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है, और स्टिकर मेकिंग होती है, तो ये सब कुछ केमिकल्स के द्वारा किया जाता है, और ये केमिकल्स कंपनी बनाती है। अभी कंपनी टेक्सटाइल से हटकर थोड़ा वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स भी बनाने लगी है, जैसे वाटर को फिल्टर करना, साफ करना, पेपर एडवेसिस केमिकल्स, डिफॉर्मर केमिकल्स, जैसे बहुत सारे वेरियस केमिकल्स कंपनी बनाती है, जिसके अंदर कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला केमिकल BKC यानी कि बेंजीनियम क्लोरियम क्लोराइड है, जो कि BKC के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वही कंपनी कुछ बैराइड्स, हार्मराइड्स और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स भी बनाती है, जो कि ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो कंपनी इन केमिकल्स का भी निर्माण करती है। अब इसी में कंपनी कुछ हेल्थ सेक्टर के अंदर यानी कि पब्लिक हेल्थ केमिकल्स भी बनाने लगी है। अब केमिकल्स का पब्लिक हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना नहीं, क्या केमिकल से पब्लिक हेल्थ सही हो सकती है या नहीं, वो तो आगे की बात है, बट कंपनी ऐसे केमिकल्स भी बनाती है, जैसे कि क्लिंजर हो गया, डिसइंफेक्टेंट कंपैरिजन BKC केमिकल्स हो गए, वाइट फिनेलिन हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट केक हो गया, हैंड सैनिटाइजर हो गया, या फिर मल्टी सरफेस डिसइंफेक्ट लिक्विड्स हो गए, आर्गो केमिकल्स हो गए, क्लीनिंग एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि कंपनी बनाती है। अब आपको पता है सैनिटाइजर भी एक केमिकल है, बट उसका यूज़ आज पब्लिक हेल्थ के लिए किया जा रहा है। वहीं डिटर्जेंट केक हो गया, चाहे लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, जिनका यूज़ कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए किया जा रहा है। ये कंपनी फाउंडेड हुई थी 1979 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया कंपनी का बिजनेस मॉडल। इस कंपनी के एम्प्लॉय 117 एम्प्लॉय की ये कंपनी है, और वहीं इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी FCL फिनोटेक केमिकल, और इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इनकी ईमेल आईडी है, और चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं किस किस तरह के ऑयल, गैस, टेक्सटाइल केमिकल, होम एंड हाइजीन केमिकल्स कंपनी बनाती है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है फ़र्श को क्लीन करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, और बर्तन के लिए भी यूज़ किया जाने लगा है, कपड़ों में भी यूज़ किया जाने लगा है, तो वो केमिकल्स कंपनी बनाती है। तो ये हो गया कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कंपनी के इम्पोर्टेंट रेसोर्स, जिससे हमें यह आइडिया लगे कि बेसिकली प्रेजेंट में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और बिजनेस मॉडल से हमें होल्डिंग पावर आती है कि भाई कंपनी में कब निवेश करना चाहिए, कब निकालना चाहिए पैसे को। अब आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 1763 करोड़ है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आती है। वहीं कंपनी का PE 35 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत महंगा भी नहीं मिल रहा और बहुत सस्ता भी नहीं मिल रहा, एक बीच में आपको शेयर मिल रहा है, और आप बुक ऑफ वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, 20 रुपये बुक ऑफ वैल्यू है, जहां शेयर लगभग 160 रुपये का मिल रहा है, तो 20 से 160 में कितनी दूरी है वो आप आइडिया लगा सकते हैं।
बाकी कह सकते हैं कि महंगा तो जरूर है शेयर, बट इतना भी नहीं है कि ओवर वैल्यूड से भी काफ़ी ओवर वैल्यूड चला गया हो। वहीं आप देख सकते हैं कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, आप देख सकते हैं 22% है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दिखाता है कि भाई जितने भी लोगों ने पैसा इस कंपनी के अंदर लगाया हुआ है उनको कंपनी कितना रिटर्न देती है एक साल के अंदर, वो आप देख सकते हैं 22% का कंपनी का रिटर्न प्रोवाइड करती है पूरी इक्विटी में, यानी पूरा जितना भी पैसा कैलकुलेट होता है जो पब्लिक ने लगाया हुआ है शेयर बाय कर किए हुए उस पैसे पे कितना रिटर्न मिलता है वो है 22%। अगर हम बात करें सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की तो आपको EPS देखना चाहिए, यानी कि आप अगर एक शेयर बाय करते हैं जो कि एक शेयर आप देख सकते हैं 159 का है, एक शेयर बाय करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो है 4.5 रुपये जो कि आप इधर EPS में देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग होगी वो आप इधर साफ साफ देख सकते हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि भाई कितना हमें रिटर्न मिलने वाला है कंपनी की तरफ से, बाकी भाई शेयर कितना बढ़ जाए और ना बढ़े उसके बारे में कह नहीं सकते, बट कंपनी इस तरह से सालाना वर्क कर रही है। वहीं आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल भी नहीं है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और आप इधर देखिए गाइज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि बहुत ज़रूरी है जानना, 71 का चल रहा है। और अगर कोई भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से अबोव चला जाता है तो भाई काफ़ी अच्छा रहता है, बट इस कंपनी के साथ तो 71 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। सेल ग्रोथ देख सकते हैं 14% की कंपनी सेल ग्रोथ दिखा रही है जो कि पॉजिटिव साइन है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का जरूर नेगेटिव है जो कि आप इधर देख सकते हैं, नेट कैश फ्लो भी कंपनी का नेगेटिव ही है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और रेशोस की, कुछ और फैक्टर्स की कि भाई कंपनी में कमियाँ क्या हैं और कंपनियों में खूबी क्या है। कमी की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी 7.68 times बुक ऑफ वैल्यू से महंगा मिल रहा है, यानी कि शेयर 7 गुना महंगा मिल रहा है किससे, बुक ऑफ वैल्यू से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था बुक ऑफ वैल्यू और शेयर जितना पास होंगे उतना आपके लिए सस्ता होगा, बट आप देख सकते हैं बुक ऑफ वैल्यू है 20 रुपये और शेयर मिल रहा है 160 रुपये लगभग, तो कह सकते हैं भाई 7 times बुक ऑफ वैल्यू से महंगा है, तो ये क्या कौन सा यानी कि एक प्रॉब्लम है, यानी कि डिसएडवांटेज ही बोल सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं डेबिटर डेज कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, यानी कि कंपनी जो भी केमिकल्स बनाती है उनको जब बेचती है तो जो भी बंदा या जो भी कंपनी केमिकल्स को लेती है तो कितने दिनों में पैसा रिटर्न करती है वो आप देख सकते हैं, पहले 112 दिन थे अब वो 138 दिन हो गए। अब इतने दिन बाद कोई कंपनी पैसा देगी, यानी कि भाई केमिकल दिया है फिनोटेक्स ने तो फिर दूसरी कंपनी उसको 138 दिन बाद पैसे देगी, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास कैश आता नहीं है। कागजों में तो होता है, यानी कि ये तो है कि भाई पैसा आएगा, बट कब आएगा, कब कंपनी दोबारा से उस पैसे को अपने काम में यूज़ करेगी, एक्सपेंस में यूज़ करेगी, वो चीज़ में डिले होता है जिसकी वजह से कंपनी का जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव चला जाता है, जो कि आप इधर साफ साफ देख भी सकते हैं रेशोस के अंदर कंपनी का 15 करोड़ नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है। यानी कि ये क्या होता है, कंपनी का 15 करोड़ आना है बट अभी आया नहीं है, कब आएगा वो पता नहीं है पर है कंपनी के पास 15 करोड़, इसी को बोलते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। कंपनी का 15 करोड़ का कैश है वो पेंडिंग चल रहा है, कब आएगा, क्योंकि आपको पता है कंपनी डिबिटर डेज बढ़ा रही है, यानी कि कंपनी पहले कहती थी 112 दिन में दे देना कोई बात नहीं, अब कहती है 138 दिन में दे देना, तो कंपनी को ये कम करना चाहिए, ये एक कौन सा एक नेगेटिव साइन है। बाकी आगे बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हुए हैं, यानी प्रमोटर्स 3 साल से 7 गुना डिक्रीज हो गए हैं जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है, आपको जरूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए। चलिए प्रोस की बात करते हैं, कंपनी डेट फ्री है यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बाकी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छे निकाल रही है और वहीं कंपनी का 20% का CGR है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो भाई दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं जो कि आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है, यानी कि अभी आए हैं 2 या 3 दिन पहले ही, तो आप देख सकते हैं दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में आपको क्या रिजल्ट सामने आएंगे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आपका सबसे बढ़िया रहा है, यानी कि 25 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है, पहले 15 करोड़ था अब 25 करोड़, यानी कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाले कंपनी ने। वहीं आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अभी तक का सबसे हाईएस्ट रहा है, यानी कि पहले कंपनी 11 करोड़, 9 करोड़ 11 करोड़ 13 करोड़ आप देख सकते हैं, बट दिसंबर 2021 में कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला, एक पॉजिटिव साइन है। तो कंपनी भाई क्वार्टरली रिजल्ट से काफ़ी सही गेन कर रही है और काफ़ी अच्छा
प्रॉफिट दिखा रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और शेयर को काफ़ी अच्छा, कंपनी को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं फटाफट। वही कंपनी का कैश फ्लो देखिए आप। अब मार्च 2021 में कंपनी का जो कैश था वो 9 करोड़ आया, जिसमें से कंपनी ने 7 करोड़ निवेश भी किया, ये पॉजिटिव होता है। 2020 का भी देखिए आप, कंपनी का 28 करोड़ आया और 19 करोड़ कंपनी ने निवेश किया। तो कंपनी जितना निवेश करती है यानी इन्वेस्ट करती है जगह जगह पर, वो अच्छा रहता है। चलिए एक बार एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि कंपनी के फिक्स एसेट्स आप देखिए। फिक्स एसेट आप देख सकते हैं, कंपनी कंटिन्यूसली पैसा लगा रही है अपने ऊपर, और कोई भी कंपनी कंटिन्यूसली अपने ऊपर पैसा लगाती है तो इसका मतलब वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, बड़ा करना चाहती है, जो कि आप इधर देख सकते हैं। फिक्स एसेट के प्लस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको पता चलेगा 24 करोड़ की कंपनी ने मार्च 2021 में जमीन खरीदी है, जो कि आप इधर देख सकते हैं, लैंड के नाम से 24 करोड़ लिखा आ रहा है। वहीं कंपनी ने बिल्डिंग के अंदर भी पैसा लगाया, लगभग 16 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। वहीं आप 7 करोड़ के कंपनी ने प्लांट और मशीनरीज में लगाए। तो ये तीन तो मोटा मोटी हैं कंपनी के खर्चे, यानी कि जमीन खरीदना, बिल्डिंग में लगाना और प्लांट और मशीनरीज लगाना। और इससे साफ साफ नज़र आता है भाई, जमीन खरीदी जा रही है, बिल्डिंग्स लगाई जा रही हैं, प्लांट और मशीनरीज में पैसे लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सपेंड करना चाहती है कंपनी। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है भाई, क्या करना चाहिए। आगे चलिए बात करते हैं कंपनी का रिजर्व और सरप्लस देखिए। कंटिन्यूसली बढ़ा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और रिजर्व और सरप्लस कोई कंपनी इसीलिए बढ़ाती है ताकि वो अपने बुरे वक्त में यूज़ कर सके उस पैसे का। आगे देखिए गाइस, आप प्रमोटर्स देखिए आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। दिसंबर 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया, जिसके अंदर 64.82% प्रमोटर्स हैं, जो कि टस से मस नहीं हुए। सितंबर में भी इतने ही थे, जून में भी इतने ही थे, जो कि पिछले तीन क्वार्टरली से वही हैं। और FII की बात करें तो पहले 1.48 थी FII सितंबर में, अब आप देख सकते हैं 0.60, यानी FII डिक्रीज हुई है। वहीं अगर हम देखें DII यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, पहले 6.14 थी, अब 6.15 हो गई है। तो DII जरूरी, तो ओवरऑल देखें तो भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी सही है। तो गाइस ये हो गया कंपनी का फाइनल एनालिसिस, और आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी अगर मैं कंपनी की प्राइस हिस्ट्री दिखाऊं तो हम देख सकते हैं, आज के दिन जिन लोगों ने बाय किया उनको भी लगभग 2.5% का लॉस कंपनी ने दिया है। जिन लोगों ने 5 दिन पहले इस कंपनी के अंदर निवेश किया उनको भी 0.50% का लॉस, बट जिन लोगों ने 1 महीने पहले निवेश किया उनको आप देख सकते हैं 14% का कंपनी रिटर्न दे चुकी है। 6 महीने की बात करें तो 49%, और 1 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 147% तक का कंपनी रिटर्न दे चुकी है। और 1 साल पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं 1 साल तो नहीं हुए, 6 जुलाई को ही बनाई थी मैंने वीडियो, और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, यानी 729 व्यूज़ आए उस टाइम, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई शेयर काफ़ी अच्छा एक तरह से होल्डिंग रख रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। और अब मैं ये आपसे नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई आप इस कंपनी के अंदर निवेश करें या आपने निवेश किया हुआ है तो सेल करें, वो आपका कॉल है, आपका डिसीजन है। बाकी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी को लेकर यही है कि भाई कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गई, यानी महंगी हो गई है थोड़ा सा। और अगर आपको इससे अच्छी कंपनी मिल जाती है जिसके अंदर पी काफ़ी सस्ता हो, यानी काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रही, तो काफ़ी बेटर है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी केमिकल बेस्ड कंपनी जिसमें आप निवेश कर सके, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द गुड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।